वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुजफ्फरगढ़ के इलाके सैयदपुर शेखानी आमद। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार की रुकने पंजाब असम्बली मखदूम रजा हुसैन बुखारी की रिहाइश गाह पहुँच गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मखदूम रजा हुसैन बुखारी के वालिद मखदूम अल्ताफ हुसैन बुखारी के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मखदूम रजा हुसैन बुखारी और सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने मरहूम की रूह के साले स्वाब के लिए फातिहा ख्वानी की और दुआएं खैर की। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार की सोगवार खानदान के सब्र जमील के लिए दुआ की। इस मौका पर वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि वालिद सायादार शजर की मानिंद होते हैं और वालिद की मोहब्बत और शफकत की मिठास से महरूमी का एहसास जिंदगी भर रहता है। उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि वालिद सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि सच्चे सादिक और शफीक जज्बे का नाम है और वालिद का दुनिया से चले जाना नाकाबिल तलाफी नुकसान है। आखिर में उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपको ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे। रुकने कौम असम्बली सरदार नसरुल्ला दरेशक, सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक सरदार हुसैन बहादुर दरेशक, रुकने पंजाब असम्बली खुरम लगारी और दीगर शख्सियात भी इस मौका पर मौजूद थी।